वार्ड नंबर 18 में सोमेश आमरे ने भाजपा का जोरदार चुनाव प्रचार अभियान करते हुए लोगों के बीच सघन जनसंपर्क अभियान के द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वार्ड नंबर 18 में पानी की समस्या, कचरों की भरमार, स्वास्थ्य चिकित्सा की असुविधा को देखते हुए सोमेश आमरे ने विकास को अनदेखा करने वाले पूर्व नगर सेवकों को जिम्मेदार ठहराया। वार्ड नंबर 18 की जो समस्या है कि लोगों को यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक 10 साल से आए, लेकिन उन्होंने पानी की जो समस्या उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, जो सवरेज लाइन का है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। विचार करके कि सुमेश आमरे जी आए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। कितनी पानी की समस्या है, रास्ते में इतना टूटा फूटा है, बच्चे जब जाते हैं कितनी बार गिर जाते हैं, उन लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है, गाड़ी नहीं आता है टाइम पे कचरे के लिए, हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है। हमने जितनी बार फोन किया है उन्होंने हमें हेल्प किया, हमारे बच्चों के लिए भी हेल्प किया। हम इस बार यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आए, सुमेश आमरे जी आए। साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया कि यहाँ से अगर सोमेश आमरे भाजपा की ओर से जीत कर आते हैं तो वो तमाम समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करेंगे और एक समाज सेवक की भांति लोगों के दुख दर्द में जैसे पहले शरीक हुआ करते थे, वैसे ही लोगों के साथ मिलजुल कर लोगों की समस्याओं को निपटाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। जो उसी का विषय है 8 और 9 नंबर सेक्टर जो है उसी का बहुत बड़ा विषय है। वो विषय ऐसा है कि उसमें अगर उसी उनको मिलती है तो आज उनको जो 1000 का जो मेंटेनेंस भरने को आता है तो अगर उसी मिल गया 250 रुपये तक हो जाएगा। बाकी जो सेक्टर में है उसमें 250 रुपये मेंटेनेंस है और इनको 1000 रुपये 1200 रुपये मेंटेनेंस। माननीय गोपाल शेट्टी जी खासदार हमारे जो है उनके प्रयत्नों से इस उसी के विषय को आवाज उठाया है और उसका 70% काम हमारा हो चुका है। जब हमारा वो उसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब 8 और 9 नंबर के जो लोग है वो बहुत ही उनको राहत मिलेगी। एक सामान्य नागरिक माड़ा के रूप में रहता है, कोई इधर मध्यम वर्गीय है, कोई पैसे वाले लोग नहीं है, तो मध्यम वर्गियों के ऊपर ये जो मेंटेनेंस भरना पड़ता है तो बहुत एक उसी का विषय खत्म होने के बाद वो उनके ऊपर होने वाला है। उसके ऊपर भी हमारे पहले जो स्थानिक नगर सेविका थी या उन्होंने कोई आवाज उठाया नहीं है। दूसरी बात है जो माड़ा के भूखंड यहाँ है वो ऐसे पड़े यानी कि शहर जेल लगा है, मैंग्रोव है, तो वो पड़ने की वजह से वहाँ जंगल ऐसा पैदा हो गया है और उसी वजह से वहाँ नाग आते हैं, सांप आते हैं और वो सांप आने के बाद ऐसे एक दो घटना घटी कि वो सांप काटने से कई लोग मर भी चुके हैं। तो हम लोग ने मैंने आगे विषय रखा है कि जब हम चुन के आएंगे तो ये विषय को ज्यादा ध्यान देते हुए जो भी प्लॉट ऐसा पड़ा है वो सब प्लॉट को साफ सफाई करके और लोगों के घर में इस तरह से सांप आएंगे नहीं इस तरह का पूरा ख्याल रखेंगे। पानी का जो विषय है 8 और 9 नंबर सेक्टर में मैंने नया लाइन डाल के उनको पानी का प्रॉब्लम है दोनों सेक्टर का सॉल्व किया है। अभी मैं सेक्टर 4 में हूँ, 4 और 7 में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऐसा वो लोग ने अभी मुझे सुनने मिला, पहले से भी आता था लेकिन स्थानीय नगर सेवक ने मुझे कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन पानी की समस्या में मैं बहुत बड़ा ध्यान देके आने वाले दिन में उनकी पानी की समस्या का निवारण करके देने वाला हूँ। कैमरा पर्सन दीपाली वैद्य के साथ अरिफा गाजी, मेट्रो मुंबई।